शांति। आज की तारीख है 19/8/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे श्री मत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। अब प्रतिज्ञा कौन सी? तो मीठे मीठे बाप दादा ने कहा पवित्रता की, तो चंदन भी पवित्र माना जाता है, तो पवित्र बनना ही बाबा कहते हैं स्वराज्य प्राप्त करना है, अर्थात सूर्यवंशी घराने का भी तिलक प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है? रक्षाबंधन समीप आ रही है तो इसीलिए बाबा भी राखी को याद कर रहे हैं। तो प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रसम क्यों है? हाँ, विशेष तौर पर ये तीन बातें अवश्य की जाती है रक्षाबंधन पर। उत्तर है, तुम्हें बड़ी मम्मा यानी ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप फिर स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं और इसी की रसम यादगार में चली आई है। गीत बजा है, इधर है मोहब्बत उधर जमाना, किधर जाएं किधर जाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है दिल की मोहब्बत। दिल प्यार करता है तो दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। नंबर दो है पढ़ाई के समय, जब हम ज्ञान मुरली पढ़ते हैं या जब भी कोई भी क्लास हम सुनते हैं बाबा की ज्ञान की, तो पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। अगर हम उसमें पढ़ाई में ही ध्यान देंगे तो बुद्धि भी भटकेगी नहीं, और यदि बुद्धि भटकेगी तो पढ़ाई पर हमारा अटेंशन नहीं रहेगा। वरदान है आज का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य को जानकर माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है, क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ। तो वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है, उसी नशे की खुशी में वो उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह, देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन है, जिनके पास, ध्यान से सुने, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते, ओम शांति।